नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है सिवनी से, जहां खंडर में तब्दील प्रधानमंत्री आवास, शहर से 3 किलोमीटर दूर वीराने में बनाई जा रही बिल्डिंग। सिवनी शहर से 3 किलोमीटर दूर कंडीपार बीछावाड़ा गांव के पास शहर के गरीबों के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री आवास खंडर और अयाशी का अड्डा बन गए हैं। नगर पालिका अधिकारी खंडर बन रही बिल्डिंग की शोधना लेकर प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगा रहे हैं। तकरीबन 967 लाख रुपए की लागत से 116 आवासों का निर्माण कर अप्रैल 2019 तक शहर के गरीबों को आवास आवंटित करने थे, लेकिन सिवनी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं मोंटो कार्लो कंपनी की घोर लापरवाही के गरीबों के सपने के साथ साथ प्रधानमंत्री की मंशा को भी धूमिल कर दिया। निर्माण कंपनी मोंटो कार्लो अधूरा काम करके लापता हो गई। वहीं नगर पालिका जिम्मेदार अधिकारी भी उन आवासों की सुध नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि आवासों में लगाई गई खिड़कियां, दरवाजे, बिजली और नल के पाइप, लोहे की रॉड सब चोरी हो गए हैं। छत के घटिया निर्माण के कारण बारिश का पानी जमा हो रहा है। सूने और लावारिस आवास अयाशी का अड्डा बन गए। असामाजिक तत्व शराबखोरी और जुआ खेल रहे हैं। आवास में ताश के पत्ते, शराब की बोतलें पर पानी के पाउच पड़े हुए हैं। इस संबंध में नगर पालिका के इंजीनियर संतोष तिवारी और सीएमओ नवनीत पांडे आवास को लेकर कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं, ताकि नगर पालिका की घोर लापरवाही उजागर ना हो सके। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।